सोमवार से हिमाचल प्रदेश में बारिश का मौसम जारी है। अब 27 और 28 अगस्त के लिए भी भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों में जोरदार बारिश के साथ साथ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने इस अलर्ट के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। 27 अगस्त को 9 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और शिमला के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके बाद 28 अगस्त को जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, चंबा, सोलन, सिरमौर और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना है, जिससे धुंध और लो विजिबिलिटी से लोगों को परेशानी हो सकती है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश का मौसम साफ था। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन अब भारी बारिश की वजह से तापमान में एक बार फिर से गिरावट आ सकती है। इस बदलाव से मौसम में ठंडक आ सकती है। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में धुंध छाने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील की है कि इस समय सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखें। हिमाचलवासी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर संभव हो तो घर में ही रहें और बाहर जाने से बचें। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे शेल्टर ना लें, क्योंकि पेड़ गिरने का भी खतरा बना हुआ है। नदियों या झीलों के पास ना जाएं, ताकि बहाव और बाढ़ के खतरे से बचा जा सके। बिजली या करंट के खतरे से बचें। बारिश के समय करंट वाली किसी चीज के पास ना जाएं। बारिश के दौरान लॉन्ग रूट पर ट्रैवल ना करें, अक्सर लो विजिबिलिटी एक्सीडेंट की बड़ी वजह बन जाती है। ध्यान रखें, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। भारी बारिश के दौरान सड़क पर यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। खासकर हाईवे पर जाते समय सावधान रहना जरूरी है। अगर ट्रैवल करना बहुत जरूरी हो तो पहले मौसम की जानकारी लें और ये देख लें कि आपका वाहन पूरी तरीके से ठीक हो। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2 दिनों के लिए मौसम की स्थिति को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। भारी बारिश, गर्जन और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी से कदम उठाने चाहिए और सुरक्षा के लिए सुझाए गए निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे आप ना केवल अपनी बल्कि अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हैं। लोकल 18 के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।